लाल सिंह जी ने यात्रा को सपोर्ट किया और उनके सेंटिमेंट को हम अप्रिशिएट करते हैं। गुलाम नबी जी की जो पार्टी थी वो तो हमारे स्टेज पे बैठे थे लोग, 90% ऑफ देम आर ऑलरेडी इन द कांग्रेस। सो अब नाउ आई थिंक देयर इज ओनली गुलाम नबी आजाद जी ऑन दैट साइड, सो आई डोंट नो इफ यू वॉन्ट मी टू आदर करो हिम, आई विल आदर कर हिम ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। माई रिस्पेक्ट्स टू गुलाम नबी जी। डेली तस्कीन से एंड आई अपोलोजाइज फॉर एनी हर्ट दैट वी मे हैव कॉज्ड आइदर लाल सिंह जी और गुलाम नबी आजाद जी। कश्मीरी पंडित से हमारी कल बहुत अच्छी बात हुई, शायद 1 घंटा बात की, दिल खोल के बात की, और उन्होंने हमें क्लियरली बताया कि उनका राजनीतिक प्रयोग किया जा रहा है। उनको अपमानित किया जा रहा है, डिसरेस्पेक्ट किया जा रहा है। उन्होंने अपने मुद्दों के बारे में मुझे कहा, उन्होंने ये भी कहा कि प्लीज आप हमारे मुद्दे पार्लियामेंट में उठाइए। मैंने उनसे उनको आश्वासन दिया कि मैं जरूर करूंगा, और जहां भी हम आपकी सपोर्ट कर सकते हैं कश्मीरी पंडित्स की और सब की, हम पूरी तरीके से करेंगे। थैंक यू। शुक्र। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड का मुद्दा है और हमारी व्यू है कि जल्दी से जल्दी स्टेटहुड आपको मिलना चाहिए और आपकी जो असेंबली है एक बार फिर चालू होनी चाहिए, जो आपका लोकतांत्रिक सिस्टम है वो एक बार फिर वाइब्रेंट होना चाहिए। बहुत कुछ सीखने को मिला, जम्मू कश्मीर के लोगों से मिलकर भी काफी सीखने को मिल रहा है। उनके दिल में जो दर्द है, दुख है, वो समझने को मिल रहा है। तो काफी अच्छी यात्रा रही है हमारे लिए और कुछ ही दिनों में हम श्रीनगर पहुंच जाएंगे। धन्यवाद। पहले कहा था कि जब तक यात्रा नहीं खत्म होती तब तक हमारा फोकस यात्रा पर और जो हमने मुद्दे उठाए हैं उन पर रहेंगे। यात्रा के बाद क्या होगा वो यात्रा के बाद डिसाइड होगा। मतलब जब तक हम श्रीनगर पहुंचेंगे तब तक हमारा फोकस इसी पे है। दैनिक जागरण से नवीन कुमार। क्योंकि क्योंकि होता क्या है कि अगर कुछ काम करने निकले हैं और उस काम के खत्म होने से पहले हम दूसरे काम के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं, तो फोकस लूज हो जाती है। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है। पोजिशन ऑन आर्टिकल 370 इज वेरी क्लियर। हमारी वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन है, उसको आप पढ़ लीजिए। दैट इज आवर पोजिशन। पार्टी कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजादी दी है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश के सारे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करे हैं। कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी में ये देश बना है। जब हमारा देश अंग्रेजों जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, बीजेपी और आरएसएस के लोग अंग्रेजों के साथ खड़े थे, ठीक है, और उनकी आइडियोलॉजी ने, उनके नेताओं ने टू नेशन कॉन्सेप्ट दिया था, सावरकर जी ने, हमने नहीं दिया था। तो कहने की बात है। जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है। अगर आर्मी कुछ करे सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। वी आर अ डेमोक्रेटिक पार्टी, ओके, एंड वी आर नॉट अ डिक्टेटरशिप। वी डोंट रन आवर पार्टी विद विद प्रिंसिपल्स ऑफ कोअर्जन। वी डोंट अप्रिशिएट मिस्टर दिग्विजय पर्सनल व्यूज, बट द व्यूज ऑफ द पार्टी आर अबव मिस्टर दिग्विजय सिंह व्यूज। द व्यूज ऑफ द पार्टी आर जनरेटेड फ्रॉम ए कॉन्वर्सेशन विद इन द पार्टी। आई वुड लाइक टू अश्योर यू दैट मिस्टर दिग्विजय सिंह व्यूज आर आउटलाइंग व्यूज। दे आर नॉट व्यूज दैट आर हेल्ड बाय द मेन बाय द सेंटर ऑफ द पार्टी। वी आर एब्सोल्यूटली क्रिस्टल क्लियर दैट द आर्म्ड फोर्सेस डू ए जॉब, दे डू अ जॉब एक्सेप्शनली वेल
and they do not need to be providing proof for anything. Okay? In fact, ये आंकड़ा हमारे पास है, ये आंकड़ा हमने रखा है. कल कश्मीरी पंडित का एक डेलीगेशन आया, उनसे हमारी बातचीत हुई. कश्मीरी पंडित के डेलीगेशन ने हमें बताया कि जो भी हुआ है यूपीए के टाइम, मनमोहन सिंह जी के टाइम हुआ है. उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी उनको पॉलिटिकल हथियार जैसे यूज करती है. उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी जो उनको फोर्सिबली वापस वैली में भेज रही है, मरने के लिए भेज रही है, वो गलत है. वो सब उन्होंने बोला और वो सब जम्मू कश्मीर के लोगों को मालूम है. ठीक है, तो और उसको हम दोहराते रहते हैं. ये यात्रा भारत को जोड़ने की यात्रा है. ये हम सब के लिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए, कांग्रेस पार्टी के यात्री के लिए, मेरे लिए पर्सनली एक तपस्या सी है. इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला, बहुत प्यार मिला. 3,800 किलोमीटर की यात्रा है. कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो अगर कांग्रेस पार्टी का ऐसी यात्रा में इन्वॉल्वमेंट होगा तो थोड़ी पॉलिटिकल बातें तो होंगी, वो नेचुरल है. लोग हमसे पूछते हैं, कश्मीरी पंडित ने हमसे पूछा कि वो आकर हमसे मिलना चाहते हैं. हम मिले, अब उसमें उन्होंने पॉलिटिकल बातें उठाई. उन्होंने कहा कि गवर्नर ने हमें अब्यूज किया है. उन्होंने कहा कि देखिए हमें वापस श्रीनगर भेजा जा रहा है, वहां कंडीशंस नहीं है, हमारे लोगों को गोली मारी जा रही है. अब वो मेरे पास आए और मैं उनकी बात ना उठाऊं तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी. तो अगर हम यात्रा कर रहे हैं और लोग हमें बातें बता रहे हैं, हमें वो बातें तो उठानी पड़ेंगी. अगर किसान हमारे पास आए और कहे भैया देखो मेरे बीज खराब निकले, और अगर मैंने मतलब 100 दिन की यात्रा में वो बोला ही नहीं, तो फिर वो किसान कहेगा ये भारत जोड़ो का क्या मतलब है, मैंने जो आपसे बात बोली आप बोल क्यों नहीं रहे हो, मेरी आवाज आप क्यों नहीं उठा रहे हो. तो ये हो रहा है. मैंने ये नहीं बोला कि पुराना राहुल गांधी नहीं है, मैंने बोला राहुल गांधी नहीं है जी, अलग बात है, आप बात नहीं समझे जी. मैं पुराने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि आपके माइंड में राहुल गांधी है, मेरे माइंड में राहुल गांधी नहीं है. मेरे माइंड में सिर्फ जनता है, जनता का दर्द है, जनता है, हिंदुस्तान के किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, और हिंदुस्तान की जो इश्यूज हैं वो हैं. मुझे राहुल गांधी से कुछ लेना देना नहीं है, आपको है. मेरी माइंड में क्लैरिटी है कि इस देश में जो हिंसा, नफरत फैलाई जा रही है उसको मिटाना है, उसके खिलाफ खड़ा होना है, चाहे कोई भी कॉस्ट हो. क्योंकि मैं हिंदुस्तान को नफरत और हिंसा का देश मानता ही नहीं हूं, एक्सेप्ट नहीं करता. और मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जो इस देश को मोहब्बत, भाईचारा, इज्जत, ह्यूमिलिटी का देश मानते हैं. देखिए, यहां पे लोगों से मैं मिल रहा हूं और सबसे खुल के मिल रहा हूं. सेंटिमेंट जो आपने रेज किया है वो सब लोगों के दिल में है. यहां पे युवाओं से बात करो तो वो अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, फ्यूचर नहीं दिख रहा है, इंडस्ट्री नहीं है. जो किसान हैं उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही. तो ये जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है. हमारा लक्ष्य, यात्रा का लक्ष्य लोगों की आवाज सुनने का है, और जो लोगों के दिल में है
उसको एम्प्लीफाई करने का है। जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनके दिल में जो दर्द है, जो डिस्कम्फर्ट है, जो आपने डिप्रेशन की बात की, उसको हम सुनने और समझने आए हैं। हम आपको सबको प्यार करते हैं, आपका रिस्पेक्ट करते हैं, और हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर मुश्किल समय से निकल रहा है। हम ये भी चाहते हैं कि जो जम्मू और कश्मीर के बीच में बीजेपी ने खाई बनाई है जिससे दोनों का नुकसान हुआ है, उसको ब्रिज किया जाए। और जो मैंने पहले बोला था, मोहब्बत की दुकान, एक दुकान नहीं हजारों लाखों दुकान हम जम्मू कश्मीर में खोलना चाहते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि अगर आप एक साथ मिलकर रहोगे तो ये प्रदेश तेजी से, सॉरी प्रदेश नहीं, यूनियन टेरिटरी, ये यूनियन टेरिटरी आगे बढ़ सकती है। छवि को खराब करने में हजारों करोड़ रुपए लगे, हजारों करोड़ रुपए लगे, हाँ, और वो बीजेपी के लोगों ने सिस्टमैटिकली किया, उनकी लीडरशिप ने सिस्टमैटिकली किया, मगर वो इनफेक्टिव है। तो वो तो आपको दिखने को मिल रहा है। जैसे मैंने बोला, हजारों करोड़ रुपए से सच्चाई नहीं दबाई जा सकती, सच्चाई आ जाती है बाहर, कभी ना कभी सच्चाई दिख जाती है। राहुल जी, आपके अनुमति से एक और, उनके उनके माइंड में यह है, बीजेपी के माइंड में है कि पैसे से कुछ भी किया जा सकता है। आरएसएस, बीजेपी, इनकी नेताओं के माइंड में है कि सत्ता से और पैसे से कुछ भी करा जा सकता है। आप किसी को भी मतलब डिमीन कर दो, किसी भी छवि को खराब कर दो, कोई भी सरकार खरीद लो, जो भी करना चाहो, सोचते हैं कि पैसे से करा जा सकता है, मगर यह सच नहीं है। सच्चाई सत्ता को, पैसे को, सबको परे कर देती है, और वो आस्ते 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 बीजेपी नेताओं को बात दिखने लगी है। वो हम उनको बहुत गहराई से समझाएंगे कि इस देश में सच्चाई चलती है, पैसा, घमंड, सत्ता नहीं।